सो आज का फर्स्ट वर्ड है सिलाई करना या सिलना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सो या फिर आप बोल सकते हो स्टिच, दोनों का मतलब होता है सिलाई करना। याद रखिएगा एस ई डब्ल्यू को सो पढ़ा जाता है, सी यू नहीं पढ़ा जाता। जैसे इसका एग्जांपल है, मेरी दादी ने मुझे सिलाई करना सिखाया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, माई ग्रैंड मदर टॉट मी टू सो। माई ग्रैंड मदर टॉट मी टू सो मतलब मेरी दादी ने मुझे सिलाई करना सिखाया। और नेक्स्ट है रफू करना, कपड़े में हुए छेदों को रफू करना। वैसे रफू करना को इंग्लिश में कहा जाता है डन, डन मतलब रफू करना। जैसे इसका एग्जांपल है, मुझे रफू करना नहीं आता, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, आई डोंट नो हाउ टू डन मतलब मुझे रफू करना नहीं आता। और नेक्स्ट है तुरपाई करना, कुछ इस तरीके से नीचे से मोड़ देना कपड़े को। वैसे तुरपाई करना को इंग्लिश में कहा जाता है हेम, हेम मतलब तुरपाई करना। जैसे इसका एग्जांपल है, इस शर्ट की तुरपाई कर दो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, हेम दिस शर्ट, हेम दिस शर्ट मतलब इस शर्ट की तुरपाई कर दो। और नेक्स्ट है धागा डालना सुई के छेद में। वैसे धागा डालना को इंग्लिश में कहा जाता है थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा डालना। जैसे इसका एग्जांपल है, सुई में धागा डाल दो मतलब उसके छेद में, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, थ्रेड द नीडल, थ्रेड द नीडल मतलब सुई में धागा डाल दो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सुई को नीडल कहा जाता है और धागे को कहा जाता है इंग्लिश में थ्रेड, थ्रेड भी कहा जाता है धागे को। और नेक्स्ट है बुनना, ऊनी कपड़े को बुनना, तो इसे कहा जाता है इंग्लिश में नेट, नेट मतलब बुनना। जैसे इसका एग्जांपल है, मैं एक स्वेटर बुन रही हूँ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, आई एम निटिंग अ स्वेटर मतलब मैं एक स्वेटर बुन रही हूँ। और नेक्स्ट है कढ़ाई करना, कपड़े पे कढ़ाई करना। वैसे कढ़ाई करना को इंग्लिश में कहा जाता है एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर मतलब कढ़ाई करना कपड़े पर। जैसे इसका एग्जांपल है, क्या तुम्हें कढ़ाई करना आता है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, डू यू नो हाउ टू एम्ब्रॉयडर मतलब क्या तुम्हें कढ़ाई करना आता है। और नेक्स्ट है कढ़ाई को कहा जाता है इंग्लिश में एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई। जैसे इसका एग्जांपल है, मैं कढ़ाई में अच्छी हूँ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, आई एम गुड एट एम्ब्रॉयडरी मतलब मैं कढ़ाई में अच्छी हूँ। और नेक्स्ट है अस्तर लगाना कपड़े में। वैसे अस्तर लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है लाइन, लाइन मतलब अस्तर लगाना। जैसे इसका एग्जांपल है, मुझे अस्तर लगाना नहीं आता, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, आई डोंट नो हाउ टू लाइन मतलब मुझे अस्तर लगाना नहीं आता। और नेक्स्ट है बटन निकलना शर्ट पे से। वैसे बटन निकलना के लिए आप इंग्लिश में यूज करेंगे कम ऑफ का। जैसे इसका एग्जांपल है, मेरी शर्ट का एक बटन निकल गया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, वन ऑफ माई बटन ऑफ माई शर्ट केम ऑफ मतलब मेरी शर्ट का एक बटन निकल गया। और नेक्स्ट है बटन टांगना या बटन लगाना शर्ट में, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सो अ बटन ऑन समथिंग मतलब बटन टांगना या लगाना। जैसे इसका एग्जांपल है, क्या तुम मेरी शर्ट में बटन लगा दोगी या टांग दोगी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, वुड यू प्लीज सो अ बटन ऑन माई शर्ट मतलब क्या तुम मेरी शर्ट पे बटन लगा दोगी। और नेक्स्ट है पीको करना। वैसे पीको करना को इंग्लिश में कहा जाता है डू पीको एजिंग मतलब पीको करना। जैसे इसका एग्जांपल है, क्या तुम्हें पीको करना आता है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, डू यू नो हाउ टू डू पीको एजिंग मतलब क्या तुम्हें पीको करना आता है। और नेक्स्ट है फॉल लगाना। वैसे फॉल लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है अटैच फॉल मतलब फॉल लगाना। जैसे इसका एग्जांपल है, मेरी साड़ी में फॉल लगा दो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, अटैच द फॉल टू माई साड़ी मतलब मेरी साड़ी में फॉल लगा दो। और नेक्स्ट है सिलाई मशीन जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सोइंग मशीन मतलब सिलाई मशीन। और नापने का फीता जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है टेप मेजर कहा जाता है नापने के फीते को। और ये बुनने की सुई जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में निटिंग नीडल,
निटिंग नीडल कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और इस सिलाई की किट जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सोइंग किट। सोइंग किट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये चेन जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में जिप, या फिर आप बोल सकते हो जिप, दोनों इसे बोला जाता है। और ये नाड़ा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में ड्रॉ स्ट्रिंग। ड्रॉ स्ट्रिंग मतलब नाड़ा। और ये चरखी जो देख रहे हैं आप, जिसमें धागे को लपेटा जाता है, वैसे इस चरखी को इंग्लिश में कहा जाता है स्पूल, या फिर आप बोल सकते हो रील, दोनों इसे बोला जाता है। और ये बटन जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में बटन ही बोला जाता है। और ये होल जो देख रहे हैं आप बटन में, इसे हिंदी में कहा जाता है काज, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है बटन होल। बटन होल कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये दर्जी का छल्ला जो देख रहे हैं आप, जिसे पहना जाता है उंगली में, जिससे उन्हें सुई न चुभे, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है थिम्बल। थिम्बल मतलब दर्जी का छल्ला। और नेक्स्ट है दर्जी। दर्जी को इंग्लिश में कहा जाता है टेलर। और नेक्स्ट है दर्जिन। दर्जिन जो देख रहे हैं आप, जो सिलाई करने का काम करती है, वैसे दर्जिन को इंग्लिश में कहा जाता है सीमस्ट्रेस। सीमस्ट्रेस मतलब दर्जिन। और ये फंदा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में लूप। लूप मतलब फंदा। और नेक्स्ट है सीवन। सीवन जो देख रहे हैं आप, क्लोथ के दो पीसेस से बनी, एक साथ सिलने से बनी लाइन, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सीम। सीम मतलब सीवन। और नेक्स्ट है अस्तर। अस्तर जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में लाइनिंग। लाइनिंग मतलब अस्तर। और ये पिन जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये कुशन जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पिन कुशन। पिन कुशन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है कपड़ा। कपड़ा जो देख रहे हैं आप, ड्रेस वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है मटेरियल। मटेरियल मतलब कपड़ा। और ये जालीदार कपड़ा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में लेस। लेस मतलब जालीदार कपड़ा। और ये सूती कपड़ा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में कॉटन। कॉटन मतलब सूती कपड़ा। और ये रेशम का कपड़ा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सिल्क। सिल्क मतलब रेशम का कपड़ा। और ऊन जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में वुल। वुल मतलब ऊन। और कच्ची ऊन जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में फ्लीस। फ्लीस मतलब कच्ची ऊन। और नेक्स्ट है पैबंदकारी। पैबंदकारी जो देख रहे हैं आप, ये रंग बिरंगे और बहुत सारी डिजाइनों वाली कपड़े के टुकड़े से बनी सिलाई का काम है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है पैच वर्क। पैच वर्क मतलब पैबंदकारी। एंड द लास्ट वन इज ये मशीन जो देख रहे हैं आप, ये कपड़े को बुनने में काम में आती है, और इसे हिंदी में कहा जाता है करगा, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है लूम। लूम मतलब करगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये दोनों आज की क्विज है। कॉमेंट में मुझे इसके आंसर लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसे लगा, अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।